हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेथी चिकन। इसके लिए मैंने 1.5 किलो चिकन को अच्छे से धुल के साफ़ कर लिया है। इसमें मिलाएंगे 2 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 कटी हुई हरी मिर्चें, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। दो सौ ग्राम गाढ़ी दही के साथ हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे दही में पानी ना हो। मिक्स करने के बाद हम आधे घंटे के लिए इस मैरिनेशन को साइड में रख देंगे। अब एक फ्राई पैन में हम तेल डाल के गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 5 हरी इलायची, 5 लौंग, 2 टुकड़ा दालचीनी का। मसाले जब चटकने लगे तब हम इसमें डालेंगे 3 बड़ी बारीक कटी हुई प्याज। अब हम प्याज को भून लेंगे। हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ 2 मिनट तक भूनना है। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। अब बिना ढक्कन लगाए हम 8 से 10 मिनट तक इस चिकन को भून लेंगे। बीच में कुछ सूखे हुए मसाले भी ऐड करेंगे। पाँच मिनट तक भूनने के बाद हमारे मसालों का कलर चेंज हो गया है, तेल और मसाले अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें सूखे हुए मसाले मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब सारे मसालों को मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट और भुनेंगे। सारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं, चिकन भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे टोमेटो प्यूरी। मिक्स करेंगे और ढक्कन लगा के मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बीच बीच में चेक कर लीजिएगा, अगर आपके चिकन के पीसेस छोटे हैं तो जल्दी गल जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी ऑलमोस्ट गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट। एक बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम, अगर क्रीम ना हो तो आप 1 बड़ा चम्मच मलाई का डाल लें। काजू के पेस्ट और मलाई को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी, जिसको हाथों पे लेके हम क्रश करेंगे फिर इसमें डालेंगे। क्रश करने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हमारा चिकन तैयार हो चुका है। आप इसको अपने घर में बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा बना था।